हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारी प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग बेसिकली देख रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म के बारे में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी एक सजेशन आया था लोगों का कि जब भी हम लोग कोई कंसेप्ट पढ़ें तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें, तो मैं आज से इंक्लूड करूंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। तो एक काम करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू गेट द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है, दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन यूज दीज कोर्सेज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कम्स हियर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। अब हम लोग आज की क्लास में बेसिकली देखेंगे कुछ रिडंडेंट से टॉपिक होते हैं जिन पर क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं, बट अभी इधर के दौरान में अगर देखें ट्रेंड में तो ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अल्टीमेटली, बिकॉज कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आती है रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है, आप लोगों को अभी तक तो पता होगा कि हमारी अर्थ के पास दो ऑप्शन होता है। अगर मान लेते हैं दिस इज सन, ये हमारा सन है, तो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। ये जो है रिवॉल्यूशन हो गया, इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है, और अर्थ अपने एक्सिस के भी चारों ओर रोटेट कर रही है। तो बेसिकली मूवमेंट डबल है, एक तो मूवमेंट अपने एक्सिस के भी चारों ओर है इस तरीके से, और ये मूवमेंट ऐसे भी मूव कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन और इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब यहां पर देखते हैं, तो रोटेशन के बारे में बात करें तो अर्थ रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर में मूव कर रही है। इसको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए सन कैसे राइज करता है, सन राइज करता है पूरब से पश्चिम, यानी कि आप कह सकते हैं आपकी ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। और ईस्ट टू वेस्ट कब होगा? जब रिलेटिवली हम लोग मूव कर रहे होंगे, बिकॉज सन इज तो स्टैटिक, सन तो स्टैटिक है, तो यानी उल्टा कर देंगे और हमारी पृथ्वी कैसी घूम जाएगी, हमारी पृथ्वी घूम जाएगी वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि 24 आवर लेती है अपने रोटेशन के लिए, और इसीलिए जो डे एंड नाइट होती है वो बेसिकली 24 आवर का हो रहा होता है। तो आपको पता लग गया कि क्या चीज है यहां पर, डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर अगर हमारा सन है तो सन के फेसिंग में जितना भी एरिया आ रहा होगा वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, और बैक साइड का एरिया, जैसे मान लेते हैं एरिया इल्यूमिनेट हो गया, बाकी जो बैक साइड का एरिया है ये खाली रह गया, डार्क हो गया, यानी अंधेरा है यहाँ पर। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहां पर एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगी जो डे वाले को नाइट वाले से अलग कर रही है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बस नामकरण कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो अर्थ रोटेट ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अब देखिए अर्थ अगर सीधे सीधे होती अगर इस तरीके से तो कोई झंझट ही नहीं था, सब कॉम्प्लेक्स नहीं थी, बहुत आसान सी चीजें थी। बट द प्रॉब्लम हियर इज अर्थ जो है वो ऐसे टिल्टेड है, बहुत मुसीबत है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब टिल्ट होने के कारण से जो पोल है एक्चुअली वो सन के सरफेस में आ जाएगा, मतलब ये कुछ सरफेस में इस तरीके से लाइट में आ जा रहा होगा। अभी आपको क्लैरिटी दिखेगी जब हम लोग अभी एनिमेशन देखेंगे। तो अर्थ के अगर एक्सिस के बारे में बात करें रोटेशन के बारे में, तो जो रोटेशनल एक्सिस है वो एंगल बना रही होती है 23.5 विद द नॉर्मल, यानी ये जो एंगल है वो 23.5 है। हॉरिजॉन्टल से अगर बात करेंगे तो निकाल दीजिए 66.5 आ जा रहा होगा, तो यही यहां पर लिखा हुआ है। विद द ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जो भी चारों ओर है ये हो जाती है आपकी ऑर्बिट। क्लियर हो गया। तो रोटेशन मूवमेंट ऑन द अर्थ एक्सिस इज 24 आवर, और इसी को बोलते हैं हम लोग अर्थ डे, या फिर एक दिन का पूरा समय हो जाता है। दूसरी होती है हमारी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो रिवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया है, ये हमारा मान लेते हैं सन है, तो सन के चारों ओर इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही होती है। तो हमारी पृथ्वी एक बार यहां पर होगी, एक बार यहां पर होगी, एक बार यहां पर होगी, और एक बार यहां पर हो जा रही होगी। तो सन और अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस लगातार कम ज्यादा होते रहेगा। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 डेज प्लस साथ में 1/4 ऑफ अ डे, यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा ले रही होती है। तो 6 घंटा एक्स्ट्रा अगर जोड़ेंगे हर साल तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और वही चौथे साल पे
एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जा रही होती है, वन डे एक्स्ट्रा जुड़ जा रही होती है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो एक लीप ईयर है, 366 दिन उस साल में हो जाएंगे, इसीलिए उसको 4 से डिवाइड किया जा रहा होता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, दस एवरी फोर्थ ईयर फरवरी 29 की हो जाती है इंस्टेड ऑफ 28। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो इस तरीके से उसको लीप ईयर कह दिया जाता है। रेवोल्यूशन अल्टीमेटली लीड टू सीजंस, क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही आराम से आप देख लीजिए। सन है मान लेते हैं यहां पर, और ये हमारी मान लेते हैं कि अर्थ है। तो अगर अर्थ एक बार यहां पर होगी, एक बार यहां पर होगी, एक बार यहां पर होगी और एक बार यहां पर होगी, यहां पर सन से पृथ्वी की जो दूरी, अर्थ की जो दूरी है वो कितनी है? मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सी है? ये वाली डिस्टेंस मिनिमम हो जा रही होती है। क्लियर हो गया? और ये डिस्टेंस तो खैर नॉर्मल नॉर्मल सी है कि हाँ, न ज्यादा कम है न ज्यादा दूर है। अगर मैक्सिमम दूरी है, सीधी सी बात है, यहां पर क्या है, रिलेटिवली जो टेम्परेचर सन से अर्थ की ओर पहुंच रहा होगा वो कम पहुंच रहा होगा। टेम्परेचर या हीट अगर कम पहुंचेगा तो सीधी सी बात है ये इलाका इस समय कोल्ड फील कर रहा होगा। क्लियर? सिमिलरली ये सबसे नियरेस्ट है, इस वजह से ये हॉट फील कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा समर का मौसम, और इधर हो गया हमारा कोल्ड यानी विंटर का मौसम हो गया। विंटर का मौसम कब होता है? दिसंबर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समर का मौसम कब होता है? जून में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जून और दिसंबर के बीच में यहां पर आ गया सितंबर, और जून जून और इस दिसंबर के मंथ में, दिसंबर बोलिए, हाँ दिसंबर ही बोल लीजिए, दिसंबर और जून के बीच में यहां पर आ गया मार्च। तो बेसिकली मार्च, जून, सितंबर एंड फिर विंटर, इस तरीके से हमारी ऑटम और बाकी सारी स्प्रिंग इस तरह से आ जा रही होती है। तो ये बेसिकली अलग अलग मौसम हुए, क्यों? क्योंकि सन की जो पोजीशन है वो बेसिकली डिसाइड कर रही होती है सीजन। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी सीजन क्या, अभी और क्लैरिटी आएगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पूरे पोजीशन का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग अपनी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो इस पोजीशन को जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा क्या चीज है। तो समर सोल्स्टिस ये हम लोगों ने देखा था, यहां पर जरा मैं एक बार फिर से फोटो बना देता हूं आपको क्लैरिटी के लिए। यहां पर हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं, उस फिगर में जो था सो था, मेरा भी क्लैरिटी सुन लीजिए। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये थी सन, और सन के चारों ओर ये हमारा ट्रेजेक्टरी हुआ करता था, और यहां पर हमारी अर्थ है। ये अर्थ अलग अलग जगहों पे मूव कर रही है। अब यहां पर सीधे सीधे अगर इस तरीके से रहता तो बात ही कोई दिक्कत की नहीं थी, क्योंकि लगातार हर जगह पर सनरेस पड़ रही होती। लेकिन टिल्ट एक्चुअली ऐसी है, और टिल्ट होने के कारण से अभी लाइट जहां पड़ रहा होगा और बाद में लाइट नहीं पड़ेगा। इस फिगर को जब आप देखेंगे तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपको अब आएगी। ये मान लीजिए हमारा है अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है, अर्थ का ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर आ जाएंगे हमारा, यहां पर हमारा ऊपर आ जाता है, और नीचे हमारी आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इस तरीके से आएगी। ये आर्कटिक सर्कल हो गई, अंटार्कटिक सर्कल हो गई, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये सब मैं फिर से बताऊंगा जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कर रहे होंगे। अब यहां पर जब सन होगा तो हमारे पास बेसिकली दो लाइन्स है, दो क्या, इनफैक्ट तीन लाइन्स है। हम लोगों ने क्या किया है, अब अर्थ को यहां पर मूव किया है, नाउ वी आर मेकिंग द अर्थ एज ए स्टैटिक ऑब्जेक्ट। जैसे ये अर्थ को आप एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैसे ही सन क्या करनेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो सन मूव करेगा, अगर सन एक पोजीशन पे यहां हो सकता है, दिस इज सन, अगले पोजीशन पे यहां हो सकता है, फिर पोजीशन यहां चेंज करेगा, और फिर पोजीशन यहां चेंज करेगा, लगातार ये मूवमेंट चेंज करता जा रहा होगा। जब ये हमारी लाइन यहां पे है, ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, मकर रेखा पे जब आएगा तो सीधी सी बात है हीट जो है वो डायरेक्टली यहां पड़ेगी। हीट जब डायरेक्टली यहां पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया उस समय अच्छा खासा गर्मी फील कर रहा होगा, लेकिन नॉर्थ साइड में अगर इंडिया बात करें तो इंडिया में ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया होगा, यानी 100% 21-22 दिसंबर का होगा। सिमिलरली जब ये ऊपर के साइड में है तो 100% ये अभी हीट जो है नॉर्थ इंडिया पे दे रहा है, नॉर्थ इंडिया पे हीट देगा तो इंडिया काफी ज्यादा गर्मी फील कर रहा होगा, और इस समय ऑस्ट्रेलिया ठंड फील कर रहा होगा, यानी ये 21-22 जून की कहानी के आसपास है। दिसंबर से जून जाने पे बीच पे पड़ेगा क्या, मार्च, और ये पड़ गया 21-22 मार्च। सिमिलरली जून से जब दिसंबर में जाएंगे तो ये पड़ जाएगा 21-22 सितंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेसिकली
पोजीशन चेंज होती आ रही है, पोजीशन चेंज होने के कारण हमें सीजनल चेंज भी देखने को मिल रहा है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड और ठंड से फिर वापस से गर्मी हमें देखने को मिल जा रही होती है। समर सोल्स्टिस का मतलब ये है जहां पर गर्मी का मौसम है, दिस इज समर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस हमें कब देखने को मिलेगा, 21-22 जून, कब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन ऑफ द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखा अभी आपको, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, तो सीधी सी बात है एरिया ज्यादा रिसीव करेगा हीट। सिमिलरली द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग, यहां पर जब रेज पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेगी और तिरछी पहुंच रही होगी, जब तिरछी पहुंचेगी सीधी सी बात है स्लांट होने के कारण से यहां पर जो हीट का रिसीविंग होगा वो बहुत ही कम होगा। और वही यहां पर बोलता है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली डेलाइट फॉर 6 मंथ। अब यहां पर क्या है, चूंकि टिल्ट कुछ इस तरीके से है तो लाइट यहां तो पहुंच नहीं पा रही है, लाइट यहां पर बिल्कुल पहुंच रही है, ये पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड सरफेस है, मैं आपको लाइट दिखाता हूं, ये पूरा जब सन है तो ये लाइट जब पहुंची है तो ये पूरा का पूरा इलाका इल्यूमिनेटेड हो गया है। इल्यूमिनेटेड होने के कारण से जो हमारा ऊपर का नॉर्थ पोल का इलाका है ये हमारा इस समय देख रहा है कि ये देखिए नॉर्थ पोल यहां पे कहीं है और ये पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड है। कब तक है, पूरे 6 महीने, जब ये इक्वेटर से ऊपर की ओर बढ़ेगा और जब तक ये यहां तक आएगा तो इस पूरे इलाके में हमारा नॉर्थ पोल इल्यूमिनेटेड है। सिमिलरली जब साउथ में चला आएगा इस इलाके में जब आ जाएगा सन तो ये पूरा का पूरा यहां पर इल्यूमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये लेन ऐसे बदल जाएगी, तो इल्यूमिनेशन का सरफेस कुछ इधर का केवल और केवल हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, कहां से क्या इल्यूमिनेशन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। सच, अब थोड़ा सा यहां पर देखिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई थी चीज क्या है। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन ड्यू टू इक्वेटर, तो सीधी सी बात है ऊपर के मौसम में समर होगा और समर को ही हम लोग बोल देते हैं समर सोल्स्टिस। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर एट 21 जून, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा क्योंकि सूर्य की किरणें जो सन रेज है वो सीधे सीधे आ रही थी, परपेंडिकुलर आ रही थी, और जो नाइट होगी वो सबसे कम होगी। तो यहां पर जो हमें सन रेज देखने को मिलती है वो नियर अबाउट 13-14 आवर्स देखने को मिल रही होती है और हमारी नाइट जो होती है वो शॉर्ट हो रही होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन रिवर्स, बदल जा रही होती है, इट इज द विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर longer than days and the position of earth is called summer solstice। इस तरीके के position को हम लोग summer solstice बोलते हैं। कब होता है, 21 जून के दौरान में होता है, क्यों होता है समझ गए आप लोग क्यों होता है। सिमिलरली विंटर solstice के बारे में है, यानी हमारा जो सन है वो southern hemisphere में चला गया है और वहां पर position अब 21-22 दिसंबर वाली हो चुकी है, तो 22 दिसंबर को ये होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चली गई है हमारी सन रेज, इसीलिए डायरेक्टली रिसीव कर रही है। As the south pole tilt towards it, as the sun's ray fall vertically at the tropic of Capricorn, tropic of Capricorn यानी मकर रेखा पर अब ये सीधी सीधी लाइन चली आई है, सीधी सीधी हमारी कह लीजिए कि सन रेज आ रही है, तो as a larger proportion of southern hemisphere gets light, तो इस तरीके से अब हमारा जो southern pole होगा वो अब illuminate हो जाएगा और हमारा northern pole अब illumination गायब हो जाएगी, dark हो जाएगी। Therefore, it is summer in the southern hemisphere. अब ये क्या है? चूंकि लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी समर जो हमारी हेमिस्फियर है वहां पर अब समर हो जाएगी, यानी लॉन्गर डेज हो जाएंगे, शॉर्टर नाइट्स हो जाएंगे। वेदर इन द नदर हेमिस्फियर द अपोजिट विल हैपन ऑब्वियसली, यानी यहां पर क्या होगी, जो डेज होंगी इट विल बी शॉर्ट एंड नाइट्स विल बी लॉन्गर, तो रिवर्स विल हैपन इन द नदर हेमिस्फियर एंड इट एक्सपीरियंस विंटर। The position of the earth is called as winter solstice. Clear हो गया क्या है? Summer का उल्टा winter हो जाएगा, इसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए। Now the next thing comes here is equinox. Equinox का मतलब होता है equi मतलब equal हो जाता है, equi मतलब हो जाता है equal और nox मतलब होती है night. तो जहां पर equal nights होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं equinox. तो ये होती है दो दिनों में, 21st मार्च एंड 23rd सितंबर के दौरान में। यहां पर क्या होती है, जो लाइट रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर को आ रही होती है। अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए हमारा अर्थ था, इक्वेटर था,
यहां पर हमारी सन की पोजीशन इस तरीके से चेंज कर रही थी, यहां पर हमारा मार्च आया था, यहां पर हमारा क्या आया था सितंबर, ऊपर आई थी हमारी जून, नीचे आई थी दिसंबर, तो दिस वन इज द मार्च एंड दिस वन इज सितंबर, और अगेन दोनों पोजीशन में इक्वेटर पे ही सीधी सीधी लाइट रेज आ रही है, तो ऊपर के साइड में जाइए चाहे नीचे के साइड में जाइए दोनों जगह पे इक्वल नाइट्स आ जाएंगी, नाइट जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, और इसीलिए इसको बोल दिया जाता है इक्विनॉक्स। क्लियर हो गया क्या चीज है? एट दिस पोजीशन नीदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। क्लियर? ऑन द 23rd सितंबर इट इज ऑटम पोजिशन, सीधी सी बात है ऑटम का मौसम है, एंड सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर, इसको बोलते हैं ऑटम, और नॉर्दर्न में क्या हो जाएगी स्प्रिंग का सीजन हो रहा होगा और यहां पर विंटर के बाद की पोजीशन स्टार्ट हो रही होगी, तो ठीक है विंटर के बाद की चीजें स्टार्ट हो रही है, इनफैक्ट विंटर की चीजें स्टार्ट हो रही है बल्कि, एंड दिस इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया? द अपोजिट इज द केस ऑफ 21st मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको क्लैरिटी आ गई होगी क्या चीज है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है जीएमटी, जीएमटी को बोला जाता है ग्रीनविच मीडियन, जो हमारी टाइम होती है जीएमटी। जब भी आप देखते हैं कि जीएमटी बेसिकली क्या होती है, जहां पर हमें कैलकुलेशन करना होता है टाइम का, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन के बारे में यहां पर ध्यान दिया जाए तो यहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन भी मैं दे दूंगा जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सके। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके थ्योरी के बारे में, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इक्वेटर इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, एनी मेरिडियन कुड बी टेकन टू बिगिन द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा ही कि अगर ये अर्थ है तो हमारी जो ये इस तरीके से लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, अक्षांश, और इस तरीके से जो ऊपर ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं देशांतर, या इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। अब अगर यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, सन की रे सन अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो अगर ये डायरेक्टली इस तरीके से लाइन अगर आ रही है, ये हमारी आ रही है, तो एक पोजीशन पे आपको लगातार सन रेस तो सिमिलर ही सी मिल रही हैं, यानी कि टाइम आपका क्या होगा, अलग अलग होगा या सिमिलर होगा, ऑब्वियसली सिमिलर सी होगी। यानी कि अगर हम हमारी अगर मान लेते हैं कि पोजीशन अगर चेंज होती है, अगर हमारा देशांतर अगर हमारा लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारा टाइम चेंज हो जा रहा होगा, तो इस वजह से यहां पर वही बोलता है कि एनी मेरिडियन कुड बी टेकन टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड, किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। इट वॉज डिसाइडेड इन 1884 बाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू चूज जीरो एज मेरिडियन, और ये जीरो है वो ग्रीनविच लंदन से पास कर रही होती है, और इसी को हम लोग मान रखे हैं कि हमारा ये जीरो डिग्री है। अगर बात करें कि वॉट इज प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन विच इज जीरो डिग्री फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री। तो जब कैलकुलेशन की जाती है तो इसी की मदद से की जा रही होती है। तो जब भी अब यहां पर देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमारी पूरी की पूरी अर्थ जो है वो 360 डिग्री घूम जा रही होती है, कितने देर में, 24 घंटे में, यानी एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24। अगर 60 मिनट्स यानी एक घंटे में अगर बात करते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 15 डिग्री, यानी एक घंटे में 15 डिग्री ये घूम रही होती है। सिमिलरली आपको अगर निकालना है तो एक मिनट में भी निकाल सकते हैं, एक सेकंड में भी निकाल सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आप निकालना चाहते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज क्लैरिटी रखनी होती है कैलकुलेशन के दौरान में। सपोज जीरो डिग्री है जहां का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ग्रीनविच है मान लेते हैं यूके का है, तो जीरो डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी, इस जीएमटी के बाद अगर मान लीजिए इंडिया का टाइम निकालना है कि जीएमटी से कितना आगे है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जीएमटी प्लस 530 होता है 5.5 घंटे। क्वेश्चन ये होता है क्या, फ्रॉम वेयर दिस 530 हैज कम, कहां से आया है, तो देखिए इस जरा 530 को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे आया है। इंडिया की जो मेरिडियन लाइन है वो है 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री कितना ईस्ट आगे की ओर है, यानी बढ़ना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है प्लस कर देंगे। एक डिग्री में 360 डिग्री में सीधे आते हैं, 360 डिग्री 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिग्री पे 24 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 82.5 डिग्री पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 82.5 डिग्री का, कितना निकल के आ जाएगा ये 82.5 डिवाइडेड बाई वॉट 360 इंटू 24, ये निकल के आ जाएगा 5.5, और 5.5 का मतलब क्या होता है 530,
यानी इस तरीके से 530 आगे निकली हुई है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन बेसिकली कर लेंगे कि क्या कुछ है। तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन होती है जो हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे और वहां से देखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है। वैसे आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूं घर पे करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, और होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि 82.5 डिग्री पे बज रहे हैं 12, सपोज 12 पीएम हो रहा है, किस दिन का? 23 जनवरी का 12 पीएम हो रहा है, दिस इज ईस्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि 90 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा है, और साथ में आपको बताना है कि 90 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा है। दोनों टाइम आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। फिलहाल आप लोग जरा इसको कैलकुलेट करिएगा कि 2.5 डिग्री ईस्ट आपको पता है, 90 डिग्री ईस्ट आपको निकालना है, 90 डिग्री वेस्ट भी आपको निकालना है। क्लियर हो गया? अब आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब होता है जहां पर आपकी डेट चेंज हो रही होती है। ग्रीनविच जीएमटी ये अलग चीज होती है और इंटरनेशनल डेट लाइन ये अलग होती है। ग्रीनविच की जो लाइन है वो 0 डिग्री से पास करती है और यू पास करती है लंदन से, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज पासिंग थ्रू यूके। जो 0 डिग्री पास हो रही होती है ये बेरिंग स्ट्रेट से पास हो रही होती है, बेरिंग स्ट्रेट, और इस बेरिंग स्ट्रेट से आपका डे गेन या फिर डे का लॉस होता है। ये बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है? ये देखिए आपका, ये हमारा रशिया है, दिस इज आवर रशिया हियर, और यहां पर हमारी नॉर्थ अमेरिका हो जा रही होती है। इस नॉर्थ अमेरिका के बाद यहां पर जब आप देखेंगे तो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, यहां पर बेरिंग स्ट्रेट, और यही एक लाइन होती है जो क्रॉस करने के बाद में, अगर आप क्रॉस करते हैं देन वन डे विल बी एडेड इन योर टाइम, एक दिन आपको एड कर लिया जाएगा, 24 घंटे का आपको कह लीजिए गेन हो जा रहा होता है। तो बस वही चीज यहां पर बोलता है कि आइडियल सर्व साइज लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेट, इट पासेस थ्रू मिड पैसिफिक ओशियन एंड रफली फॉलोज 1 डिग्री एट बेरिंग स्ट्रेट। कहां कहां से? फिजी हो गया, टोंगा हो गया, सारे आइलैंड यहां पर पाए जा रहे होते हैं। इट इज लोकेटेड हाफ वे राउंड द सर्कल फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ये एक ऐसी लाइन होती है जहां से डेट चेंज हो जाती है। डेट चेंज होने का मतलब या तो आपको डे गेन हो रहा होगा या डे लॉस हो रहा होगा, बाय एग्जैक्टली वन डे। व्हेन इट इज क्रॉस्ड, ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है देन ये जो है एक दिन का गेन कर लेगा, और अगर ये इधर से आ रहा है तो एक दिन का लॉस हो जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इधर की जो टाइम होती है वो एक्स्ट्रा होती है और इधर की टाइम जो होती है वो पीछे चल रही होती है। वाई? क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है कैसे? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो जब आप ईस्ट की ओर मुड़ेंगे तो आपको डे का लॉस हो रहा होगा, और जब आप उल्टा जा रहे होंगे तो डे का गेन हो रहा होगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन है। हम लोगों ने जो पुराना क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को दिया है उसमें मैंने इस चीज को इंक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है डे टाइम सेविंग का। ये क्या होता है? देखिए जब आप चेक करेंगे हमारे इंडिया का मैप, तो हमारे इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे तो हमें अलग अलग तरीके की कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और ये अलग अलग क्या चीज है? अलग अलग चीज ये है कि 82.5 डिग्री हमारी कुछ ऐसे निकल रही है, दिस इज आवर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है, लेकिन जो एक देशांतर वो इधर से घूम रहा होगा, मतलब एक लॉन्गिट्यूड हमारा इधर से घूम रहा होगा और एक लॉन्गिट्यूड हमारा इधर से घूम रहा होगा। आपको जान करके बड़ा ही यहां पर सरप्राइज होगा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इनफैक्ट इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, नियर अबाउट 4 आवर का डिफरेंस आ जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपने 10 AM को अपना बनाया हुआ है ऑफिस आवर, तो 10 AM ऑब्वियसली यहां पर कितना हो रहा होगा? कायदे से तो 12 PM हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो लेट में काम स्टार्ट करते हैं और अर्ली काम खत्म करना होता है इनको। मतलब यहां पर कंडीशन जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि डे आवर का नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर डे पहले ही हो जा रहा है, सूर्य सबसे पहले यहीं पर दिखेगा। तो सूर्य सनराइज सबसे ज्यादा अगर जल्दी होगी तो वी हैव टू टेक सम मोर डे टाइम, या कह सकते हैं वी हैव टू टेक मोर
लॉन्गिट्यूड या फिर एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम हमें कुछ अलग अलग लेना चाहिए, इसी को बोलते हैं डे टाइम सेविंग, जब आप अलग अलग समय ले रहे होते हैं। तो मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप फॉलो दिस इज कॉल्ड एज डे टाइम सेविंग। इट इज अ प्रैक्टिस बाय विच ऑल द क्लॉक इन दीज प्लेसेज आर मूव्ड फॉरवर्ड बाय एन आवर ड्यूरिंग द समर मंथ। तब होगा क्या, अगर मान लेते हैं यहां की जो भी टाइम है इसको एक घंटे से आप आगे बढ़ा देते हैं, अगर आप सिंगल टाइम स्केल रखना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, ना तो यहां का डे आवर लॉस में जा रहा होता है ना यहां का डे आवर लॉस में जाता है, क्योंकि यहां पर सुबह आपने लॉस कर दिया और यहां पर आपने शाम में लॉस कर दिया, क्योंकि यहां पर डे अर्ली हो रहा है, यहां पर शाम लेट हो रही है। तो दोनों ही लॉस को बचाने के लिए एक एक घंटा बढ़ा दिया जाता है, जिससे डे टाइम सेविंग हो जा रही होती है। एंड इट इज ब्रॉट बैक इन द विंटर। विंटर में क्यों, क्योंकि विंटर में हमारा जो सन है वो नीचे चला जाता है और हमारी डेज जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। विंटर टू यूटिलाइज द लॉन्ग लास्टिंग सनलाइट इन समर एंड सेव एनर्जी। तो इस तरीके से हमारी चीजें हो जा रही होती हैं। इंडिया फॉलोज अ सिंगल टाइम स्केल ऑफ 82.5 डिग्री, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नॉर्थ ईस्ट रीजन आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट टाइम जोन। नॉर्थ ईस्ट एक सेपरेट टाइम जोन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहां पर सन जो है वो अर्ली आ जा रहा होता है 4 in the morning एंड विंटर जल्दी खत्म भी हो जा रहा होता है, 4 बजे ही खत्म भी हो जा रहा होता है सनलाइट। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सिस्टम देख ली। बेसिकली अगर टाइड के बारे में देखें तो वी हैव 3 layers ऑफ वाटर। 3 layer हो जाती है, एक हो जाएगी जो हमारी नॉर्मल लेयर है, ये हो गई जो हमारी नॉर्मल वाटर लेवल है। एक होगी जब हाई टाइड आएगी, हाई टाइड आएगी तो क्या होगा, हाइट इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड लाइन, दिस इज हाई टाइड लाइन। नीचे वाले को बोलते हैं नॉर्मल वाटर लाइन या नॉर्मल लाइन। अब लो टाइड होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, सीधी सी बात है, हाइट कम हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज लो टाइड लाइन। इसको बोलते हैं, हाई टाइड को हम लोग बोलते हैं ज्वार हिंदी में और लो टाइड को हम लोग बोलते हैं भाटा हिंदी में। क्लियर हो गया क्या चीज है, वॉट इज ज्वार, वॉट इज भाटा एंड वॉट इज हाई टाइड लाइन एंड वॉट इज लो टाइड लाइन। क्लियर हो गया। थोड़ा सा अगर और आपको क्लैरिटी दूं, मान लेते हैं दिस इज आवर अर्थ, अर्थ के चारों ओर में हमारा वाटर आया हुआ है। तो एक बार फटाफट जरा वाटर को ले लेते हैं। वाटर के लिए हम लोग एक कलर चेंज करके ये पूरा का पूरा वाटर बना लेते हैं, दिस इज आवर वाटर। अब देखिए वाटर चारों ओर रहेगा तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो बेसिकली देखा है, केवल और केवल हम लोगों ने इफेक्ट देखा मून का, लेकिन केवल मून तो है नहीं, ये मून भी है हमारा और साथ में सन भी है। सन का अपना एक फोर्स लग रहा है अर्थ के साथ में, जो कि लगातार हमेशा कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारा जो फोर्स लगा है मान लेते हैं वो F1 फोर्स है, दिस इज F1 फोर्स। F1 की जो वैल्यू है वो G m1 m2 upon r² है, जहां पर m2 सन को मान लेते हैं और m1 मान लेते हैं अर्थ को। सिमिलरली इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मान लेते हैं F2। F2 की वैल्यू आ जाएगी G m1 अर्थ का, m3 मान लेते हैं मून का 3 है, डिवाइडेड बाय r² का स्क्वायर। तो बेसिकली अगर सन मून और अर्थ तीनों एक लाइन में रहेंगे तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन अर्थ, तो एफ नेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी F1 + F2, क्योंकि दोनों के दोनों सिंगल लाइन में आ जाएंगे, सिंगल लाइन में आएंगी तो जुड़ी जाएंगी, क्या हो जाएगा G m1 m2 + m3 डिवाइडेड बाय, बाकी खाना की गलत कर दिया मैंने, G m1 m2 upon r² G m1 m3 upon r² ये हो जाएगा। लेकिन 100% ये श्योर है कि दिस नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सन तो मूव करेगा नहीं, मून मूव करेगा, मान लेते हैं मून मूव करके यहां कहीं आ गया, तो अब जो हमारा F2 वाला फोर्स था वो F2 ऊपर लग गया, F1 अभी भी देखिए यहीं पर लग रहा है, तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कुछ यहां पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + F1 F2, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा अंडर रूट में। तो दिस वैल्यू विल बी रिलेटिवली शॉर्टर देन दिस एफ नेट, जब वो सीधे डायरेक्शन में है। यानी अब समझ में आ गया, जब तीनों बॉडी एक साथ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, और इस तरीके के हम लोग नेट फोर्स को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज नीप टाइड। ठीक है, बाकी इसके बाद से ऊपर जब जा रहा होता है, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग नीप टाइड और नीचे वाले को बोल रहे थे हम लोग स्प्रिंग टाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की टाइड हो जाती है। नीप टाइड इज वेन
द एंगल बिटवीन सन मून एंड अर्थ बिकम्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और जब सन अर्थ मून सिंगल लाइन में आ जाते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज स्प्रिंग मून। अब होगा क्या, जो वाटर था वो हम लोगों ने अभी देखा ही बल्ज करके ऐसे निकल के आ जा रहा होगा बिकॉज ऑफ द टाइड, ये हमारा इस तरीके से बल्ज करके आगे आ जा रहा होगा। जैसे ही बल्ज करेगा वाटर इज कॉन्स्टेंट, दूसरे साइड में शॉर्टिंग हो जाएगी तो ये शॉर्ट हो जा रहा होगा। तो बेसिकली वाटर जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर पूरी की पूरी हमारी वाटर आ गई है और ये एरिया पूरा का पूरा खाली हो गया है। तो दिस विल बी लो टाइड और दिस विल बी हाई टाइड। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हाई टाइड लो टाइड क्या चीज हो रही होती है। अब हम लोग जरा आ जाते हैं टाइड के बारे में और इसको बेसिक्स पढ़ लेते हैं। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल इन द ओशन एंड सी वंस और ट्वाइस इन अ डे ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड एज टाइड। द स्टडी ऑफ टाइड इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली एंड टेम्पोरली एज इट हैज ग्रेट वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड एंड हाइट। अलग अलग तरीके की हाइट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और सब कुछ हो रही होती है। तो इस वजह से हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी विल सी द क्लासिफिकेशन आफ्टर वाइल, देखेंगे अभी क्या चीज हो रही होती है। फिलहाल अभी टाइड को देख लेते हैं। तो टाइड अकर्स ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ओशन वाटर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इन जनरल टाइड जनरेटिंग फोर्स इन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ मून और दूसरी हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स भी बोल रहे होते हैं। तो फिलहाल आप कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को जरा इग्नोर करिए, बस आप समझ लीजिए कि द इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है मैकेनिज्म का। तो मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि दोनों फोर्स लग रहे होंगे, वाटर बल्ज कर जा रहा होगा, दूसरे साइड में वाटर जो होता है इस तरह से कम हो जा रहा होगा। तो व्हेन द टू फोर्स आर नॉट इन बैलेंस इट गिव राइज टू द टाइड जनरेटिंग फोर्सेस। द साइड ऑफ द अर्थ विच इज क्लोज टू द मून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मून, व्हाइल वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस अ वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी वजह से वहां पर लो टाइड हो जा रही होगी। तो मून ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अ ग्रेटर इफेक्ट देन सन, क्यों, क्योंकि सन के बीच की जो दूरी होती है, सन और अर्थ के बीच की दूरी वो काफी ज्यादा दूर हो जाती है, इसलिए जो मेन डिसाइडिंग फोर्स होती है वो होती है मून के कारण से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है। द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज बट ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही ये चीज यहां पर लिखी गई है जी m1 m2 upon r square, तो square of the distance between these two. Tide generating force due to sun is 0.46 of that of moon. हालांकि ये डेटा यू कैन डायरेक्टली स्किप इट, जरूरी नहीं है आपके लिए, बस आप ये समझ रहिए कि मून के कारण से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है as compared to the sun. Now the next thing comes कि आखिर में what are the factors responsible for tide? तो यहां पर देखिए बहुत सारा फैक्टर है। पहला फैक्टर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाटर है, जैसे अगर आप देखेंगे पैसिफिक साइड में बहुत ज्यादा वाटर है, वही अटलांटिक साइड में देखेंगे तो रिलेटिवली कम वाटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इरेगुलरिटीज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन, कुछ की सैलिनिटी ज्यादा होती है कुछ की कम होती है, इस वजह से हमें अलग अलग फोर्सेज लगाने पड़ जा रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंस इन कोस्टल टोपोग्राफी ऑफ ए रीजन, जैसे फनल शेप बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड। व्हेन द टाइड इज चैनल्ड इनटू बे एंड एस्चुरी दे आर कॉल्ड टाइडल चैनल्स या टाइडल करेंट्स। तो ये एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पर वाटर बॉडी ज्यादा इस वॉल्यूम में होती है, इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। आगे अगर कोई बात करें तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए टाइड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास कई कई तरीके हो जाते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दूसरा बोलते हैं पोजिशन ऑफ अर्थ मून एंड सन, तीसरी होती है टाइम पीरियड बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, और चौथी होती है मैग्नीट्यूड के बारे में। वन बाय वन करके डिस्कस करें अगर तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना तेजी से आ रही है, कितना जल्दी आ रही है टाइड। अब ये जल्दी और लेट करती है डिपेंड करता है इसके डायूर्नल टाइड के ऊपर में, कितना मतलब कि पोजिशन क्या आ रही है। जैसे अगर कुछ जगहों पर 6-6 घंटे के इंटरवल पे आती है, अब वहां पे क्या होगा, 6-6 घंटे मतलब 6×24 चार हो गया, यानी दो टाइड, दो हाई टाइड और दो लो टाइड आएगी। तो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड इन ईच डे। जनरली हमें नॉर्थ सी में देखने को मिल रहा होता है, कहां पर, ये आ जाती है हमारी यूके के पास में, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास में।
इसी तरीके से होती है डायुर्नल चेंज, जहां पर 12-12 घंटे भी होती है। 12-12 घंटे यानी दो ही होगा, एक हाई टाइड आएगी तो एक लो टाइड आएगी इन ईच डे। दिस इज वेरी जनरल, यही जनरल होता है और यही हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। इन इंडिया ऑल्सो वी ऑब्जर्व डायुर्नल टाइड, जैसे मुंबई वगैरह में, विशाखापत्तनम वगैरह में, गुजरात वगैरह में हमें यही देखने को मिल रहा होता है। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट, जनरली सेम हाइट के हो रहे होते हैं। इसके बाद होता है मिक्स टाइड। मिक्स टाइड जो होती है वो डिपेंड करती है किस तरीके से आ रही है, तो इसमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे टाइड हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड्स, दे जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल्सो इन पैसिफिक ओशन। वाई? बिकॉज दे हैव हाई वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इस वजह से ऐसा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सन मून और अर्थ के बीच की पोजीशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था सन मून और जो हमारी अर्थ है इनके बीच में पोजीशन में या तो 90 डिग्री हो रहा होगा या 0 डिग्री हो रही होगी। तो इस कारण से हमारे पास दो तरीके निकल के आते हैं। पहला स्प्रिंग टाइड, जिसमें सन मून और अर्थ सिंगल लाइन में आ जाते हैं, 0 डिग्री पे आ जाते हैं। दे आर अलाइंड इन सच अ वे, देखिए अलाइंड हो जाते हैं इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर देन नॉर्मल, ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, फाउंटेन वाला, स्प्रिंग वाला हो गया तो फवारा निकल के आ गया। इट अकर्स ट्वाइस इन अ मंथ और ऑन द फुल मून डे। फुल मून डे वही पूर्णिमा के दिन में देखने को हमें मिल रहा होता है, क्योंकि वहां पर फुल मून आती है, फुल मून देखने को मिल जा रही होती है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि ये जो स्प्रिंग टाइड होती है वो कब दिखेगी। ऑब्वियसली देखिए, फिर से एक बार जरा यहां ध्यान से सुन लीजिए। ये हमारा मान लेते हैं कि अर्थ है, दिस इज आवर मून एंड नाउ दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है, यहां पर मून है। अब देखिए, जब इसको ढक देगा सन को चारों ओर से, मून जब ढक देगा तो अब क्या पूर्णिमा का दिन दिखेगा, तो यहां पर ऑब्वियसली ज्यादा लाइट देखने को मिल रही होगी। मून मान लीजिए पोजीशन चेंज करके यहां पे पहुंच गया है, अब क्या है यहां पर मून हमारा खत्म हो गया है, तो मून हमारी आ गई है यहां पर, तो अब सन का इफेक्ट लग रहा होगा इधर, मून का इफेक्ट लग रहा होगा इधर, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन में है तो ये भी जीरो ही, लेकिन यहां पर तो देखिए आपका जो टाइड आ रही होगी वो कम आ रही होगी, क्योंकि यहां पर F1 और F2 एक दूसरे को माइनस कर दे रहे हैं, और हमें पता है कि F2 ज्यादा होता है, इस वजह से नेट फोर्स हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इस वजह से यहां पर नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। इसीलिए जब फुल मून होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, या इसी को हम लोग न्यू मून डे भी बोलते हैं, इस दौरान में हमें सबसे अच्छा स्प्रिंग टाइड देखने को मिल रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है, कैसे हो रही है चीजें। नीप टाइड होती है जब ये परपेंडिकुलर हो जाती है, तो नीप टाइड इज 7 डेज ऑफ स्प्रिंग टाइड एंड सन एंड मून 90 डिग्री फॉर्म कर देते हैं बिटवीन ईच अदर। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स राइज टू अ टाइड ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड विच इज टर्म्ड एज नीप टाइड एंड दिस अकर्स ट्वाइस इन अ मंथ, एक महीने में दो बार होगी। क्यों? क्योंकि मून एक बार यहां है तो दूसरी बार यहां है, तो बीच में यहां पर ही आएगा, यहां पर भी आएगा, तो दो बार बेसिकली 90 डिग्री आ रहा है विद इन अ मंथ, क्योंकि 28 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट लेता है हमारा मून, तो इस वजह से हर महीने इसीलिए एक पूर्णिमा पड़ रही होती है जहां पर फुल मून देखने को हमें मिल रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आती है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ऊंचा कितना नीचे आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर पोजीशन आती है, पेरिजी और अपोजी का कंसेप्ट आ जाता है। व्हाट इज पेरिजी? पेरिजी का मतलब होता है पास। पास मतलब जब मून और अर्थ जो है वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो चूंकि जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, आर बहुत कम हो जाएगा तो ये वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिजी। और यूजुअली बहुत हाई और बहुत लो टाइड हमें देखने को मिलेगा। बहुत हाई मतलब दिस इज आवर अर्थ, अब अर्थ है, हाई टाइड होगा तो बहुत हाई देखने को मिलेगा, जितना हाई गया उतना यहां पर लो भी देखने को मिलेगा, बिकॉज वाटर हैज टू बैलेंस, वाटर कहीं से जनरेट नहीं हो रही है। अपोजी में क्या होगी? अपोजी का मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कि जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण से अब जो आर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए टाइड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपोजी। टाइडल रेंज विल बी मच लेस एज कंपेयर टू द एवरेज हाइट। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसी तरीके से होती है पेरिहिलियन और अप एपहिलियन। पेरिहिलियन का मतलब होता है जब सन और अर्थ के बीच की दूरी क्लोजेस्ट हो जाती है, यहां पर भी हमारा आर लगेगा, यहां पर भी हमारी आर वैल्यू कम हो रही होगी, और इस तरीके से यूजुअली हाई टाइड और लो टाइड काफी हाई या लो में देखने को मिलेगा। सिमिलरली एफिलियन, जहां पर हमारे अर्थ और सन की दूरी जो होती है वो बहुत दूर हो जाती है, और यहां से हमें रिलेटिवली कम मैग्नीट्यूड का टाइड देखने को मिल रहा होता है। तो बेसिकली पेरिजी अपोजी ये ध्यान रखिएगा मून के रिस्पेक्ट में होता है,
और पेरिहिलियन एफिलियन ये सन के रिस्पेक्ट में होता है, और दोनों ही बेसिकली हमारा जो पाइथागोरस प्रिंसिपल होता है उसी के बेसिकली थ्रू काम कर रहे होते हैं। अब आता है टाइम पीरियड के बेसिस पे, हाई टाइड और लो टाइड एक दूसरे को कैसे कितने इंटरवल पे आ रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, एक है जब व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इसको हम लोग ऐब बोलते हैं, और जब वाटर लेवल राइज कर रहा होता है उसको हम लोग राइजिंग कह रहे होते हैं, दैट्स ऑल। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा क्लासिफिकेशन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऐब क्या चीज होती है। तो आप बता देंगे, जब वाटर लेवल फॉल करता है तो उसको हम लोग ऐब बोलते हैं, और जब लो टाइड हाई टाइड के बीच का होता है तो वाटर को राइजिंग बोल रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जा रही होती हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग कम्स हियर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको मैंने जब अभी एनिमेशन दिखाया तो आप लोगों ने देखा होगा शिप्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी, तो जब नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली इसको जो वाटर है इस शिप के नीचे का जो वाटर होगा वो कम हो जाएगा, यानी नेविगेबल सरफेस अब नहीं बचा है। तो जो टाइडल पोर्ट्स होते हैं दे बिकम नेविगेबल ऑटोमेटिकली, नेचुरली ये बन जाते हैं हमारे, कह लीजिए ट्रांसपोर्टेबल या नेविगेबल बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो वाटर लेवल कहता है वो राइज करके हमें एक नेविगेबल सरफेस बना देता है। तो इट हेल्प्स इन नेविगेशन ड्यूरिंग द हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, लार्ज शिप्स कैन एंटर एंड लीव हार्बर सेफली। डायमंड हार्बर इन द वेस्ट बंगाल और कांडला इन द गुजरात आर एग्जांपल ऑफ सच पोर्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, इस टाइड के अप और डाउन होने की वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है। वी कैन स्टोर दिस एनर्जी एंड वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। दिस हेल्प्स इन शिप टू ट्रेवल अप द माउथ ऑफ द रिवर इन केस ऑफ रिवर पोर्ट। हाई टाइड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द रिवर पोर्ट टू हाई वॉल्यूम सो दैट लार्ज शिप कैन सेल सेफली एंड यूज अ रिटेनिंग टाइड टू लीव द। तो ये बेसिकली वही चीज बात की गई है, हाई टाइड और लो टाइड नेविगेशन की बात की गई है। तीसरी चीज होती है कि यहाँ पर सिल्ट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि पानी जो है वो काफी ज्यादा अब नीचे डिपॉजिट हो गई है, आ गई है। नेक्स्ट होती है कि सॉल्ट वाटर फ्रीज एट टेम्परेचर दैट इज लो देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर इन कोल्ड टेम्परेचर वेयर इज द वाटर रिवर आर फ्रोजन इन विंटर वार्मर सी वाटर रशेज इन टू द हार्बर टू कीप इट फ्री फ्रॉम द फ्रीजिंग। तो सी वाटर आकर के इसको फ्रीज होने से बचा दे रहा होता है। लास्ट हमारी एनर्जी आ जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्मेट में आ जा रही होती है। बट द प्रॉब्लम हियर इज इसको बहुत ज्यादा नॉइज होती है, और इस नॉइज के कारण से यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जा रहा होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू टाइडल एनर्जी। क्लियर हो गया क्या चीज है। लास्टली हमारे पास एक आ जाती है कि हमारी बहुत सारी फिशेज और बहुत सारे मरीन एनिमल हाई टाइड के दौरान में ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग मरीन फिशिंग कर सकते हैं या फिर मरीन एग्रीकल्चर मरीन फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड के बारे में देखा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। जरा इसके क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहली क्वेश्चन होती है कि अलॉन्ग विच वन ऑफ द मेरिडियन फॉलोइंग मेरिडियन इंडिया एक्सपीरियंस फर्स्ट लाइट ऑफ सनराइज। सबसे पहले फर्स्ट लाइट कब दिखेगी, तो देखिए जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप लोग जो भी यहां पर देशांतर जो भी यहां पर लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है उसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो 82.3 डिग्री है, फिर उसके बाद से 92 इधर कहीं आ जाएगा, तो दिस इज 92.3 डिग्री ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। वेस्ट वाले साइड में उल्टा चले जाएंगे तो यहां पर क्या है 2 डिग्री वेस्ट है, और उसके बाद से 92 डिग्री वेस्ट है। तो लाइट कैसे आएगी, लाइट ईस्ट से वेस्ट आए, वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रही है, तो सन कैसे है ईस्ट से वेस्ट है। सबसे पहले लाइट किस पे पड़ेगी, 92 वाले पे पड़ेगी, तो बस काम खत्म हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द फिगर, इफ यू हैव ड्रॉन द फिगर करेक्टली देन यू विल गेट द आंसर करेक्टली, तो यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। कोई दिक्कत, अभी हम लोगों ने देखा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाई टाइड इनेबल बिग शिप टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली, ये भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेविगेबल बन गया है। टाइड प्रिवेंट सिचुएशन सिल्टेशन इन द हार्बर, तो टाइड जो होती है सिल्टेशन को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल करता है। यहां पर वाटर आ जाती है, लेवल आ जाती है, अभी हम लोगों ने देखा। कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट, ये भी अगेन एग्जाम्पल देखा, सारा ही करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगी इसकी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज समथिंग रिलेटेड विद द फिगर, देख लेते हैं क्या चीज है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शोन इन द डायग्राम विल द हाइट ऑफ ओशियन टाइड मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, सन यहां पर है
मून M4 पे आ जाए और अर्थ हमारी यहां पे रहे, सब कुछ एक डायरेक्शन में आ जाएगा। जब एक डायरेक्शन में आ जाएगा तो सबसे ज्यादा टाइडल फोर्स देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वाई द एग्जांपल द करेक्ट आंसर विल बी M4। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करके आप उस पर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।